महाकुंभ की तैयारियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और रेलवे प्रशासन ने व्यापक स्तर पर योजनाएं बनाई हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और इस ऐतिहासिक आयोजन को सफल बनाया जा सके। महाकुंभ में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव हो, इसके लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है, जिनमें विशेषकर रेल यातायात और स्टेशन की सुविधाओं में विस्तार शामिल है। महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में राज्य सरकार और रेलवे प्रशासन मिलकर व्यापक तैयारियां कर रहे हैं। प्रयागराज के रेलवे स्टेशनों की क्षमता और सुविधाओं में विस्तार के साथ साथ विशेष ट्रेनों का संचालन, पैदल मार्ग की व्यवस्था और आपातकालीन योजनाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि महाकुंभ में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और सुविधाजनक हो। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रयागराज के 9 प्रमुख रेलवे स्टेशनों की सुविधा और क्षमता में विस्तार किया जा रहा है। प्रयागराज जंक्शन, सूबेदारगंज, नैनी, छिवकी, रामबाग, झूसी, फाफामऊ, प्रयाग एवं प्रयाग घाट पर मेला स्पेशल ट्रेनों के संचालन की व्यापक योजना तैयार की गई है। इन स्टेशनों पर नवीनीकरण और विकास कार्य तेजी के साथ प्रगति पर है। प्रयागराज स्टेशन और सूबेदारगंज स्टेशन पर यार्ड का नवीनीकरण हो रहा है। सूबेदारगंज में 2 अतिरिक्त प्लेटफॉर्म और झूसी स्टेशन पर 1 अतिरिक्त प्लेटफॉर्म का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही प्रयाग स्टेशन पर 1 नया प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। इन स्टेशनों की वॉशिंग लाइनों का निर्माण और सुधार कार्य भी चल रहा है, ताकि ट्रेनों की सफाई और रखरखाव में कोई परेशानी न हो। महाकुंभ के लिए रेलवे ने 992 मेला स्पेशल ट्रेनों के संचालन की योजना बनाई है, जो वर्ष 2019 के 572 स्पेशल ट्रेनों की तुलना में लगभग 2 गुनी है। मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर विशेष रूप से 300 से अधिक मेला स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, ताकि श्रद्धालु आसानी से संगम नगरी पहुंच सकें। इसमें उत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे डिवीजन की मुख्य भूमिका होगी। उत्तर मध्य रेलवे के तहत दिल्ली, कानपुर, मुंबई, झांसी, सतना, बांदा और मानिकपुर मार्ग से ट्रेनों का संचालन होगा। पूर्वोत्तर रेलवे के लिए बिहार, मुगलसराय और वाराणसी मार्ग से रामबाग और झूसी स्टेशन पर मेला स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। उत्तर रेलवे के तहत गोरखपुर, फैजाबाद, लखनऊ और ऊंचाहार मार्ग पर फाफामऊ, प्रयाग और प्रयाग घाट स्टेशन पर विशेष ट्रेनें संचालित होंगी। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र तक पहुंचने में कोई समस्या न हो, इसके लिए रेलवे स्टेशन से मेला क्षेत्र तक पैदल मार्ग की एकल मार्ग वन वे योजना तैयार की गई है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि श्रद्धालु बिना किसी बाधा के मेला क्षेत्र में प्रवेश कर सकें। इससे भीड़भाड़ और अव्यवस्था की स्थिति से बचा जा सकेगा। रेलवे प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए 6 विशेष योजनाएं तैयार की हैं। इन योजनाओं के तहत रेलवे स्टेशनों पर अधिक भीड़ होने पर श्रद्धालुओं को व्यवस्थित करने के लिए 90 होल्डिंग एरिया चिन्हित किए गए हैं। इन होल्डिंग एरियाज में आपात स्थिति में श्रद्धालुओं को रोका जा सकेगा, ताकि स्टेशन पर भीड़ का दबाव कम रहे और यात्रा सुगम हो। इन आपातकालीन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में श्रद्धालुओं को सुरक्षित रखा जा सके और उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही जिला प्रशासन, पुलिस और मेला आयोजन टीम मिलकर इन योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। प्रयागराज जंक्शन पर रेलवे ने 1 विशेष नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है, जहां से पूरे मेला क्षेत्र और रेलवे स्टेशनों की निगरानी की जाएगी। यह नियंत्रण कक्ष सभी स्टेशनों की गतिविधियों पर नजर रखेगा और समन्वय का कार्य करेगा, ताकि कोई भी समस्या आने पर तुरंत समाधान किया जा सके। इस नियंत्रण कक्ष के जरिए स्टेशन पर आने जाने वाली ट्रेनों की समय सारणी, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्थाओं की देखरेख की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हों और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज जंक्शन का वृहद स्टेशन विकास योजना के तहत और फाफामऊ और प्रयाग जंक्शन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कायाकल्प किया जा रहा है। इन स्टेशनों का निर्माण कार्य अक्टूबर 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा,
ताकि महाकुंभ के समय ये स्टेशन पूरी तरह से विकसित और तैयार हों। इसके तहत स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में वृद्धि की जाएगी, जिसमें वेटिंग रूम, टिकट काउंटर, प्लेटफॉर्म, वॉशिंग लाइन और स्वच्छता सुविधाओं का विस्तार शामिल है। इन स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या को संभालने के लिए भी विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं।